जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे आशी, दरवाजा बंद था, दरवाजे पे जाले जमे हुए थे नहीं कर। और दरवाजे पे ताला, जो कि ताले पे भी जाले जमे हुए थे। अस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूर रहीम। ये जो चीज होती है ये इनके खाने की चीज होती है। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अदर आशरीन व्लॉग्स। और भाई आज है वेडनेसडे नाइट और आज हम फिर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं एक नहीं बल्कि तीन से चार जिन स्टोरीज। डॉक्टर काशिफ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज दोस्त? जबरदस्त, लेकिन कुछ दिल नहीं है आज। दिल मेरा भी नहीं है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम यूं थे, रो रहे थे आप, रो रहे थे। कुछ स्टोरीज हमने ऐसी शेयर की और मुझे लगा यार तू मेरी स्टोरी सुना रहा है, मैं तेरी स्टोरी सुना रहा हूँ, मतलब ऐसी कोई स्टोरी थी। लेकिन क्या होता है कि हम लोग जब हम कैमरा के सामने तो हम अपने सारे दुख गम सब घर के जो मसले थे छोड़ के आते, सब भूल जाते हैं। और फिर यहाँ पे हम सिर्फ आप लोगों के होते हैं और आज भी हम आप लोगों के लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आए। हम कितनी भी तकलीफ में हो, हमारे कितने भी मसले, लेकिन हम आपको इंटरटेन करने की पूरी कोशिश करें। बिल्कुल। तो डॉक्टर काशिफ क्या सुनाने जा रहे हैं यार? मैं सुनाने जा रहा हूँ आशी हमारे पुराने घर का किस्सा जो कल का है। हाँ, एक तूने झलक मुझे सुनाई जो रात रात बैठ के हमने। हाँ हाँ, बहुत कमाल स्टोरी है। ओके अच्छा, वो तुम्हें पता है वो जो बचपन वाला वही गली है जिसमें सरकटा मुझे नजर आता था? हाँ हाँ हाँ, वो जो आपने बताया था और उसको अली भट्टी व्लॉग्स हमारे एक दोस्त से उससे कंफर्म भी किया था कि हाँ इस गली में सरकटा की निशानियां मिली हैं, बहुत सारी चीज हुई है। खैर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है अच्छा, उस गली में घुसने के साथ ही ना वो दो जगहों पे डिवाइड हो रही है गली, तो वो एक बीच में हमारा स्टडी रूम पुराना बहुत बना हुआ है, उसकी वजह से वो डिवाइड हो रही है। तो मतलब एक वो गली में ही रूम है, गली में ही रूम है, लेकिन उसकी एक दीवार हमारे घर के साथ लगती है। ठीक है। और दरवाजा उसका उस गली में ही खुलता है। ओके ओके। घर से बाहर खुलता है, वो घर के आते में सरकटे वाली गली में। हाँ, सरकटे वाली गली में खुलता है जहाँ पे वो नजर आता था। ओके अच्छा, हुआ ये कल कि मैं परेशान भी था काफ़ी इस चीज़ को लेकर। कल उस इस हादसे के बाद मेरे साथ फ़ौरन एक और हादसा भी हो गया था, वो मैं बाद में बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, उसी से लिंक हादसा हुआ। हुआ ये कि कल दावत थी चाचा के पास, मैं वहाँ चला गया तो उसी गली से गुजरा मैं, तो मैंने देखा कि वो माशाल्लाह स्टडी रूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है, अंदर रोशनी भी है, लोगों की बात करने की आवाज़ भी आ रही। अब मैं बड़ा परेशान हुआ उस चीज़ को लेकर, मैंने कहा यार ये इतने अरसे में कभी दरवाज़ा नहीं खोला। अच्छा, मतलब वो दरवाज़ा तो वो कमरा बंद था 35 साल से बंद है वो कमरा। ओके। तो मुझे हुआ कि यार चलो अच्छी बात है, खुल गया, बैठक का एक जगह मिल गई, मोहल्ले में कभी कभार आ जाएगा बंदा, पुराने दोस्तों से मिल के बैठ के गपशप करके चाय वाय पी लिया करेगा। लेकिन 35 साल से जो कमरा बंद होगा और वो भी सरकटे वाली गली का दरवाज़ा, तो मतलब कुछ मुझे डाउट तो हुआ कि यार ये, लेकिन होता है ना कि यार अब घर में जगह कम पड़ गई है, चलो बाहर किसी एक खाली चीज़ पड़ी है उसको यूटिलाइज कर लो। वो जो लंबा है स्टोर स्टडी रूम ना, वो बेसिकली आज से कोई 35-40 साल पहले जो है ना स्टडी के तौर पे उसको बनाया गया था, उसकी ईंटें भी कच्ची हैं, कोई सीमेंटेड नहीं है, कच्ची ईंटें लगाई हुई हैं। okay. और लकड़ी का दरवाज़ा लगाया हुआ जिसमें ट्राई सर्कल का एक ताला लगाया हुआ, कुंडी वो जो अटकाने वाली नहीं होती थी। हाँ, वो अटकाने हाँ, वाली पुराने जमाने वाली। तो मतलब वो 35 साल से कमरा बंद था, तो ऑफकोर्स कोई भी ऐसी जगह हो जो इतने सालों से बंद हो तो उसमें तो वैसे भी असर आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। अच्छा खैर, फिर क्या हुआ? तू 35 साल के बाद तू उस कमरे के बराबर से गुजरा तो मुझे रोशनी जिस तरह, अच्छा एक होता है ना दावत होती है तो बंदा कोई, अब तो चेंज हो गया, एलईडी लाइट्स आ गई हैं और एलईडी ट्यूब लाइट्स आ गई हैं इस तरह से, लेकिन वही 100 वाट का बल्ब जिस तरह से जलता है ना, पीला बल्ब जलता था। हाँ, हाँ, वो पीली रोशनी थी जो अंदर से आ रही थी और लोग बैठे थे, मैंने आंखों से, लेकिन मुझे आवाज़ है कि आपस में गपशप कर चल रही है, मजा। दरवाज़ा भी खुला हुआ और दरवाज़ा भी पूरा नहीं खुला हुआ, दरवाज़ा इतना ऐसे करके खुला हुआ इतना सा। ओके ठीक है अच्छा, मैं चला गया अंदर घर पर। मैं घर गया तो मेरे दिमाग से बात नहीं, इतने लोग थे, दावत थी, मैंने खाना वाना खाया। जब मैं वहाँ से उठने लगा तो मैंने चाचा से कहा, मैंने कहा यार चाचा वो बाहर आपने ये स्टडी रूम को जो क्या बैठक बैठक बना दिया। तो चाचा ने क्या किया पता है उसका रिएक्शन क्या था? हैं क्या? क्या नहीं, मैंने कहा चाचा बाहर लोग बैठे हुए हैं स्टडी रूम में, आपने उसको मेरे ख्याल से बैठक बना दिया है, ऊपर दूसरा चाचा रहता उसने बना दिया है, मेरा अंदर लोग वो बैठे हुए हैं। और मुझे आया तो बल्ब भी जल रहा था, बातों की आवाज़ भी आ रही थी मुझे,
बोला तू या नशा करके आया या तू पागल हो गया। मैंने कहा क्यों क्या हुआ? बोला वो तो वैसा ही बंद है जब से बंद है, क्योंकि दादा जब वहाँ पानी की मशीन लगाती थी तो दादा ने क्या क्या करते थे कि वो फजर के टाइम पर उठते थे, पानी की मोटर ऑन करते थे और फिर वही बंद करते थे। और दादा के इंतकाल को भी 8-10 साल हो गए तो उसके बाद तो उन्होंने वहाँ पे मशीन भी निकाल दी और अलग से लगा दी बाहर, वहाँ वो बिल्कुल बंद है ना। तो ये मुझे बात रात पता चली तो मैंने कहा चाचा वहाँ तो लोग बैठे हुए। तो चाचा वो अजीब लगा कि यार मतलब हमारी इजाज़त के बगैर किसने इस तरह से उस रूम को खोला है। बोला अच्छा, तो बोला चल ज़रा देखते। मैं भी निकलने लगा था तो हम साथ निकले। जैसे ही दरवाजे पे पहुँचे आशी, दरवाज़ा बंद था, दरवाजे पे जाले जमे हुए थे नहीं कर, और दरवाजे पे ताला जो कि ताले पे भी जाले जमे हुए थे। तो तूने क्या देखा वहाँ पर? फिर कैसे पता लगा तुझे कि लाइट भी आ रही है और लोगों की बात करने की आवाज़ें भी आ रही हैं? यार मैं हैरान हूँ, मैं इतना परेशान हूँ यार। यकीनन चाचा ने बोला तुझे पक्का है? मैंने कहा चाचा मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ कि मैं यहाँ से आया हूँ, आधा घंटा मैंने सिर्फ जो अंदर टाइम गुजारा है, जो खाना वाना खाया, आप सबसे मिला हूँ, मैं बाहर निकला हूँ तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि ये सदियों से नहीं खुला, ये तो पूरे जाले जमे हुए, ताला। बोला तूने क्या देखा? मैंने कहा मैंने ये देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है थोड़ा सा, अंदर पीला बल्ब जल रहा है जो पहले जलते थे और लोग बात कर रहे हैं। बोला किस तरह की बात की आवाज़ थी? मैंने कहा बातें जिस तरह नॉर्मल आपस में लोग हंसते हैं, मजाक करते हैं, बातें करते हैं इस तरह। बोला तेरा दिमाग ख़राब हो गया, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। अच्छा मेरा दिमाग बिल्कुल मफ हो गया, मतलब वो तूने दिमाग पे ले ली बात। मैंने कहा यार ये मैंने अभी देखा है तो अब पता नहीं क्या है। बहरहाल मैंने कहा चाचा यार मैंने ये देखा है, आप देख लेना ज़रा सा ना। अच्छा उस ताले की चाबी भी नहीं है। ओके। और वहाँ पे खड़े खड़े उस रूम से इतनी गंदी बदबू आना शुरू हुई, इतनी गंदी जैसे कि कोई अंदर कोई गटर लाइन फट गई हो। तो मैंने चाचा को बोला, मैंने कहा चाचा ये देखो बदबू आ रही है। पता क्या बोला? बोला तेरा दिमाग खराब है, कौन सी बदबू? तो रजिस्टर्ड पागल हो गया मतलब उनके सामने? हाँ नहीं उनके सामने तो मैं पहले से ही हूँ ना, वो जो साथ। और लेकिन उनको पता था कि इस गली में सर्कट आया क्योंकि देखा है। तो उन्होंने मुझे बोला यार देख तू जो देखता है जो करता है तू खामोशी से सुन लिया कर, हमारी तू आना जाना हमारा तो रोज का है, तू हमारी क्यों आदत खराब करता है। मैंने कहा हाँ चाचा ये बात तो सही है। अच्छा वैसे कल हम लोग गए थे हमारी ऑडियो गाने की रिकॉर्डिंग पर, बिलीव मी यहाँ पर मेरे भी होश खता हो गए थे, मेरे भी होश खता हो गए थे। हम स्टूडियो में जाके बैठे, गाने की रिकॉर्डिंग हमारी थी, जो मेन स्टूडियो था उसके बराबर में एक दूसरा कमरा है जहाँ पर हम लोग सब जाके बैठते हैं पहले, उसके बाद जिसको गाने की रिकॉर्डिंग होती है तब हम मेन इंजीनियरिंग रूम में अंदर जाते हैं। तो जिस कमरे में हम लोग बैठे हुए थे तो मैंने ऐसे ही शुगर में काशिफ को उंगली की, मैंने कहा काशिफ ज़रा चेक कर अपने मोबाइल ऐप से कि यहाँ पर कुछ असरात हैं क्या। अच्छा जो उस वक्त स्टूडियो का जो ओनर था वो उस वक्त हमारे साथ नहीं था, वो लाइट ऑन करने के लिए गया था, जनरेटर ऑन करने के लिए गया था। उसने कहा लाइट जाने वाली है, मैं थोड़ी देर में इसको जनरेटर को ऑन कर लेता हूँ। भाई हम लोग वहाँ बैठे रहे कमरे में, मैंने काशिफ को उंगली की, काशिफ ने क्या किया कि अच्छा काशिफ ने बोला कि एक मिनट यहाँ पर कुछ है, इसने इशारा किया काशिफ ने, इस कोने में कुछ है। ऐप निकालिए काशिफ ने, उस ऐप को मोबाइल के थ्रू हमने इसको रखा है उधर, रख दिया है, कुछ भी नहीं किया है। ओनर जनरेटर को ऑन करके आके बैठा है हमारे साथ कि भाई लाइट 5 मिनट में जाएगी तो फिर लाइट को मैं कन्वर्ट करूंगा। बिलीव मी रीडिंग 100 तक गई है, रीडिंग यूं गई फुल रीडिंग पे गई है। और जब ओनर आके बैठा तो मैंने बोला यार यहाँ पर कुछ है क्या? तो अभी हमने खाली ये बात बोली लाइट चली गई, टोटल अंधेरा और हमारी और अंदर से हालत खराब होना शुरू। अच्छा मुझे बताओ उस ऐप में क्या दिखाई दिया था? भाई उसमें अजीबोगरीब सी चीज़ें खैर नजर आईं, लाल और जो पहले तो लाल सिग्नल और उसके बाद 2-3 चेहरे जिस तरह नहीं ऐप में नज़र आते हैं इस तरीके से वो दिखाता है कि भाई यहाँ पर सिवियर असरात हैं। अच्छा उसके बाद जब वो बंदा आके बैठा उसने लाइट को कन्वर्ट किया, थोड़ी देर के बाद कन्वर्ट होने के बाद उन्होंने पूछा कि यार यहाँ पर नवीद भाई कुछ है क्या? तो नवीद भाई ने बोला कि यहाँ पर कुछ है, मुझे बहुत लोगों ने बोला है। और हालांकि हम उस जगह पर समझ लें कि फर्स्ट टाइम जाके बैठे थे, उस जगह पर हम लोग कभी उस स्टूडियो में पहले नहीं गए। और उसके बाद एकदम से चीज़ मतलब उस बंदे ने भी काशिफ को बोला कि काशिफ आपकी वाकई कुदरती, हम नॉर्मल लोगों के सामने पर्दे डले हुए होते हैं लेकिन आपका एक पर्दा उठा हुआ है
और ये भी उसने बोला था, उसने बड़ा अच्छा परखा इसको, इसने बोला कि तेरे साथ कोई बुजुर्ग है जो तुझे बचा रहा है, ऐसे वैसे ही वैसे ही। और मज़े की बात यह है कि जब हमने वो वहाँ पे वो कर रहे थे, जब हमने एप रखी उस जगह पे और हमें ये पता चला, तो इसने क्या आगे बोला था कि मेरे साथ यहाँ पे अच्छे वाकयात भी हुए, बुरे भी हुए, लेकिन होते रहते हैं, होते रहते हैं। और उसने ये भी बोला था कि अच्छा इसकी ऐप में ऑप्शंस हैं कि रेड ऑप्शन है, ग्रीन ऑप्शन है, ऑरेंज ऑप्शन है, किस तरह की स्पिरिट है या किस तरह की वो चीज मतलब अच्छी स्पिरिट है या बुरी स्पिरिट है, तो उस पर निशान के हिसाब से बताता है। तो काशी ने बोला था कि नहीं इस पर ऑरेंज आ रहा था निशान, रेड आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो है ना मतलब ये अच्छा है, बुरी वाली स्पिरिट नहीं है यहाँ पर जो तंग करे किसी को। अच्छा उसके बाद उस बंदे ने यही बोला कि यहाँ पर बुजुर्ग है कोई, मतलब वो भी एक और चीज़ क्लियर हुई कि हाँ यार। खैर मैं इसकी बातों में बिलीव मी इसकी बातों में एतबार नहीं करता था। और उसके बाद जो है अब से जब से हम ये जिन स्टोरीज रिकॉर्ड करना शुरू किए हैं, लोगों से मिलना हमने शुरू किया, तो वाकई इसकी बातों में मतलब कहीं ना कहीं सच्चाई निकलती है यार। सॉरी मैं तेरे को नहीं मानता था, कोई बात नहीं, अब मुझे इमोशनल नहीं, रो नहीं, चल उसको। अच्छा उसके बाद नहीं ना, उसके बाद अभी वो किस्सा पूरा नहीं हुआ। अच्छा वहाँ से बहरहाल मैं निकला, मैंने चाचा के पास से, चाचा के घर से वहाँ से निकला मैं, पुराने घर से। मैंने कहा यार मैं जा रहा हूँ ना, दिमाग मेरा बिल्कुल सुन, दिमाग मतलब मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं गुनूदगी में हूँ या नशे में हूँ या कुछ। जैसे मैंने गाड़ी निकाली, गाड़ी इतना बड़ा नाला है आशी, 2.5-3 फुट का, मैंने गाड़ी उसमें दे मारी और गाड़ी 3 टायरों पे ऐसे ऊपर। ओहो। फिर मैंने कॉल की, फिर सब अंदर से बाहर आए, गाड़ी निकाली, फिर वो गाड़ी निकाल के मैं फिर तेरे पास आया। जब हम यहाँ पर बैठे, मैंने कहा आशी मेरे साथ ये मामला हुआ है, तो तुमने बोला कोई नहीं मामा, चल खैर अपन अपने काम से चलते हैं। फिर हम यहाँ से निकले, तो उस वक्त भी मेरे घर के बाहर, पाकिस्तान में रहते हैं हम लोग ऑफकोर्स, तो गटरों का तो पता ही नहीं चलता। हमारे मोहल्ले में भी एक गटर है जिसकी तकरीबन 1 फुट जो है ना उसके बॉर्डर्स ऊपर उठे हुए हैं। ये चलाते चलाते बिल्कुल उसके करीब से गुजरा, हमने कहा मामा क्या कर रहा है भाई, ये भी गटर था, तेरे को ये गटर भी नज़र नहीं आया? तो कह रहे हैं यार मेरे को समझ में आ रहा, मेरी तबीयत ख़राब है, तू गाड़ी ड्राइव कर ले। फिर मैंने गाड़ी ड्राइव की और फिर हम आगे बढ़े। वेल तू इतना दिमाग पे हावी मत लिया कर। नहीं हावी नहीं किया, उस वक्त से मेरा दिमाग जो है ना वो सुन था, मतलब मैंने खुद से, मैं सोचता ही नहीं क्योंकि मुझे पता है ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन मैं उन पे ध्यान नहीं देता। कल का अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।